कुछ भी आवाज नहीं है और हमको ऐसा लगता है कि ये कोई पता नहीं था नहीं ताकत है ना क्या का ताकत है पता नहीं नवम लिपि को क्यों बचा रहे हैं। ये बहुत सोचने का बात है। और यहाँ पर एक बात बताऊं कि ईदी आता है तो सरकार चश्मन पहनाता है और टी वी आता तो सरकार चश्मन पहनाता है और उस चश्मन में हमको क्लियरली देखता है कि और ऐसा ही आता है तो सरकार चश्मन पहनाता है। इस चश्मन में एक तो सफेद है एक तो काला है एक तो को दाग के रखा है सरकार जो वो धक्का वाला जो मेरा ख्याल से हम अभी ट्रैप बोलने से आप लोग पूरा गुस्सा करता है दूसरा ट्रैप के लिए लेकिन जो खुला वाला है मेरा ख्याल से आदि और गालों के लिए सर खुला है और जितना भी वो करता है चैंपियन करते हैं आदि और गालों क्यों पकड़े सरकार को क्वेश्चन करने का लाइक बनता है। जब उस दिन पेमा खांडू और किरण रिजिजू यहाँ में कही है आलो में ना कहीं में था घूम रहा था इंजॉय कर रहा था पार्टी कर रहा था सब वो हंस रहा था हम तो ऐसा लगे अभी हमारा सब ट्रैप को पकड़ेगा लेकिन अभी भी पकड़ रहे सीबीआई आता है तो एक चश्मन काला वाला लगा करते एक चश्मन पकड़ते सब ताकि जीरंग ढूंढता है उसका ईदी आता है तो एक चश्मन काला वाला लगा सब ताकि जीरंग और ऐसा ही लगा दे तो एक चश्मन बना ताकि जीरंग। अच्छा आप बताइए आप सरकार को मेरा यही क्वेश्चन है जब घर में पिताजी जो घर बना के रखा है अगर सामान को कोई कुछ बिक्री करना है तो क्या सिर्फ बेटा माँ जानेगा ऐसा इम्पॉसिबल है पिताजी भी जानेगा जब आप माला बिक्री करते पिताजी भी जाने उसका ऑप्शन में कभी नहीं करेगा आप कैसा बोल सकते हैं नाबंदी पर एरस नहीं क्या नाबंदी पर इसलिए बचाया जा रहा है वो निचली लेवल का बचाया जा रहा है क्या ये भी क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल आप ये आप मीडिया लोबी से क्वेश्चन करना है कि यूट्यूब पर जितना भी पब्लिक भी ये क्वेश्चन करना है कि क्या नाबम निपोल निश्चित लेवल का बचा रहे क्या ना वो सचमुच है अगर सचमुच अगर नाबम निपोल सपा है तो आप लोग लिख के दो सरकार लिख के देखो नाबम निपोल करेंगे लिख के दो हम लोग सुनेगा। अरे आप कैसा ऐसा सरकार हो सकता है जो वन साइड है सरकार हम इस सरकार को बिल्कुल नहीं मानते कुछ नहीं है और हम आगे प्लानिंग आप लोग को नहीं बताएगा और आपका मीडिया चैनल से हम आप सबको रिक्वेस्ट करता है सिर्फ आज पासीघाट में हुआ है हम हर डिस्ट्रिक्ट में रैली करना है हर डिस्ट्रिक्ट में अभी तो यहाँ से रुकेगा नहीं है और हम अपील करते हैं मेरा पास रुपया पैसा नहीं और लोग बोलते हैं कि अभी आप लोग क्वेश्चन तो करेगा आईफोन का बारे में देखो आईफोन मेरा पास दो दो है हम क्लियर बोलते हैं क्या गरीब आदमी आईफोन पकड़ना मना है क्या क्या सिर्फ आईफोन अमीर के लिए लिखा हुआ है क्या स्कॉर्पियो सिर्फ अमीर के लिए लिखा हुआ है क्या स्कॉर्पियो को अमीर नहीं पकड़ना है गरीब आदमी नहीं पकड़ना है क्या क्या बिल्डिंग अमीर सिर्फ बनना है गरीब आदमी को ये सोच जो गंदिया सोच लोग ऐसा सोच रखने का बस अभी हम लोग का समाज में कमजोर है। आप देखो यहाँ में हम पहले से बोला है जो समाज बड़ा होता है वो दूसरा छोटा समाज को डाउन कर दबा देता है ठीक है जो एसोसिएशन बड़ा है वो छोटा छोटा एसोसिएशन को दबा देता है। अच्छा आप देखिए प्रतिदिन लिखता है एसोसिएशन में यूनियन में भी प्रतिदिन लिखते हैं एसोसिएशन में प्रतिदिन अल्फाबेट क्या वो लोग अलग होता है
एक ही होता है, छोटा ओ वाला का भी अल्फाबेट एक होता है, उसका बाद बड़ा ये लोग का एसोसिएशन लोग का अल्फाबेट एक होता है प्रतिदिन का। आप अभी बताइए अपन आपको बड़ा प्रतिदिन बोलते हैं, बाकी को छोटा प्रतिदिन। दूसरी बात, अगर आप इंसान आप बड़ा दे रहे तो आप घट के देखो आपका खून सफेद निकलेगा, तो हम लोग का चौथा जाए तो खून लाल निकलेगा। ठीक है, हो सकता है ओ पॉजिटिव बी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो अभी आप जो ऐसा है कि क्या नाबम निपुर को आप निशी बोलकर बचा रहे क्या? हम एक निशी है लेकिन हम कभी करप्शन को नहीं बचाएगा। मेरा फैमिली में करप्शन होने से भी निकलना है, हटना है, नहीं बहना है। अभी हम करप्शन को टॉलरेट करता है बोलने, देखिए लाइफ बहुत बर्बाद है। और यह सब लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया में भी लिखता है कि नैलम होना है। अगर सचमुच ईमानदार से जांच करेगा, सचमुच हर मिनिस्टर हर MLA एफिडेविट बनाकर साइन करेगा, हम लोग किसी को प्रोटेक्शन नहीं देगा बोलने से, ये नाला मेरे जरूरी भी नहीं, सब दूध का दूध पानी का मैं अभी पकड़ेगा। क्यों नहीं पकड़ा? सॉरी टू इंटरप्ट यू, नाबम निपो का जब सवाल किया जाए तो सर अभी हर कोई नाबम निपो को रेस करने लेकिन सर मुद्दा यहाँ पर है कि नाबम निपो को अभी हर कोई ये बोल रहे कि उसका एविडेंस नहीं मिल रहा, तो इसका बारे आप क्या चर्चा? जबकि सरकार था दे रहा था, एविडेंस कैसे मिले? हाँ, आपको हम नहीं बोला क्या? आपका तरफ से क्या एविडेंस देना चाहिए? देख एविडेंस अभी हम CBI तो नहीं है, ईडी तो हम नहीं है, लेकिन हम सरकार को सवाल होता था, जो सरकार जो ईडी और CBI अगर चौकमैन पहना के रखे है वो सिर्फ एक काला है, वो नाबम निपुर को नहीं देखता है, वो नाबम निपुर को नहीं देखता है, वो सिर्फ दकित जीरंग को वकीलों को देखता है, वो नाबम निपुर को नहीं देखता है। तो अभी नाबम निपुर का एविडेंस को ढूंढ रहे ही नहीं, तो हम बोलते हैं सरकार को बोले ये चौकमैन को भी हटा के देखो, नाबम निपुर का एविडेंस मिलेगा। नाबम निपुर का इतना ये क्या बोलता है वो ये है घर है, बड़ा बड़ा घर है, पेमेंट कितना है? पेमेंट 1 लाख नाबम निपुर पेमेंट 1 लाख, आप लोगों को पता है 2 लाख से 5-6-7 मंजिल बना सकेगा, इतना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, बच्चा को JEE में खरीद दे सकेगा। ये सवाल बन रहा है, उससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए कि और हम क्या हम मेरा चीर हनुमान जी चीर के बताओ कि नाबम दोबो का एविडेंस दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, नाबम निपुर का एविडेंस उसका बड़ा बड़ा घर है, उसका बच्चा है, और वो इंजॉय कितना करता है अभी हमें विदेशी में है, उससे बड़ा एविडेंस और क्या हो सकता है? और विदेशी में बनने वाला एविडेंस उससे और बड़ा क्या होता है? आप मीडिया लोग बोले नाबम निपो हम लिख के रख सकते हैं, और समाज में भी ऐसा आदमी जो चोर को अगर समाज नहीं पकड़ेगा तो कोई प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ये समाज के लिए बहुत खतरनाक है और आप लोग के लिए भी खतरनाक, हम लोग के लिए। और सर ये अभी ये इशू को लेके ऑलमोस्ट 6-7 मंथ हो, तो डे वन से अंशु साथ में था, अभी अंशु कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि इससे हट के जा रहा है, तो इसमें आप क्या कमेंट? देखिए अंशु हट के जा रहा है उसे हम कमेंट नहीं कर सकते, कोई बोलते हैं कि अंशु हम साथ है, लेकिन कोई कोई लिखता है हम लोग साथ नहीं है, तो अंशु में भी पता नहीं मेरा क्या दो बाघ है ना क्या पता नहीं, लेकिन अंशु अभी क्लियरली बोलना है कि हम ये वन अरुणाचल का साथ में है ना हम नहीं है, क्लियर कर देना है विद इन 2-3 दिन के अंदर में। अगर अंशु साथ में है बोलता है बोलते अंशु विद इन ये महीना का अंदर में नाबम निपो को अरेस्ट होने देना है, उसका बाद नाला होने देना है, अगर वो नहीं है बोलने से तब तो छोड़ देना, तो पब्लिक का बात करेगा। ठीक है, वही और सर एक बात, जैसे कि मतलब नाबम निपो का सिचुएशन में तो उन्होंने बोला था कि उसके अगेंस्ट FIR है, लेकिन तकित जिला के अगेंस्ट भी तो FIR नहीं था, उन पर क्या तो निकला है उनको? ठीक है, इसलिए हम मेरा बात आप सुनिए कि नाबम निपो के लिए चुनमन ब्लैक है, लेकिन तकित जिला के लिए ये भी तो ना, अगर तकत गिरंग को जेल तक नाबम निपुर को भी रखना चाहिए ना। हम उस दिन भी सीएम का सामने में बोला है, सीएम साहब देखिए यहाँ मैं बैग बैठी और ये जाट रहते हो रहा, इसलिए हम बोला सीएम साहब को भी बोला है कि आप जितना वहाँ में कमिश्नर जितना उस दिन आप सबको अरेस्ट कीजिए, तब हम छानबीन कीजिए। बोलते ऐसे नहीं होते, ऐसे कैसे नहीं होते, जबकि टीम में चोर है तो टीम को नहीं पकड़ेगा, तो आप सोचिए यही मेरा बात। तो अभी लास्ट जब तक सारा डिस्ट्रिक्ट सारा स्टेट हम अपील करता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में रैली करो, हम लोग आएगा, हर कैंप में लगे रखो हम आएगा, हर जगह में आएगा, आने के बाद लास्ट दिन में क्या करते हैं वो देखो, हम धमका रहे हैं छोटा बच्चा, अभी बोलने से भी बोलते हैं कि सरकार को वार्निंग दे रहा है, क्या करेगा? पहले अंशु को सुन लेगा क्या करने का, लेकिन अगर हम लोगों ने जान मिलता है पब्लिक डिमांड करता है, जान मिलता है बोलने से, हर डिस्ट्रिक्ट में रैली होने का बाद हम आप लोगों को ये बात गारंटी का साथ में बोल सकते हैं, ऐसा करके देखेगा अरुणाचल में ऐसा कभी मूवमेंट हुआ ही नहीं, ऐसा पब्लिक मूवमेंट कराएगा, ऐसा डेमोक्रेटिक रूल कराएगा कि ऐसा हुआ ही नहीं, सरकार को भी नीचे झूलने मजबूर कर देगा। क्लियर, थैंक यू। हम लोगों ने रोइंग में भी आए थे, रोइंग को हिला दिए थे, मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी को, तो उस
जैसे उसने कहा काला चश्मा लगाते हैं दूसरे की दूसरे आंखों में और दूसरे आंखों में यहाँ पे रेड क्या बोलते हैं आजकल का जो नाइट विजन भी लगा के देखते हैं ताकि चरण के जब समस्या आते को लेकर जब आते तो वो नाइट विजन लगा के ढूंढ लेते हैं। लेकिन जब निप्पो नावन की बात आते तो सारा काला हट जाते हैं। तो अवर मेन मोटो अवर मेन डिमांड इज द अरेस्ट ऑफ निप्पो नावन फॉरवर्ड चेयरमैन एपीपीएससी। वी हैव टू मेक इट द कमिटमेंट टू पुलिस इमीडिएटली क्योंकि 13 पॉइंट्स में से यह एक पहला मुद्दा है। सबसे पहले आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दी मूवमेंट बट आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड। मैंने काफी जब मास रैली हुए थे ईटानगर में तब भी मैं पार्टिसिपेट किया। मैं हमेशा अपने दिल से जान से मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते आया हूं और लड़ते रहूंगा क्योंकि हमें मेरा सपना है कि वी ऑल शुड हम सब मिलकर एक नया अरुणाचल बनाएंगे। ठीक है वैसा मेक ए न्यू अरुणाचल। विद दैट आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेस स्पीच ए स्मॉल स्पीच। थैंक यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल। Pan Arunachal Joint Steering Committee. Today we stand here not to do a public sanctity. Today we're not here to come up to show our beauty and to show our handsome face. But today we came here sweating with blood from the march past to the from JNC to public, from the market until here to this DC office. We came here to in hope, in believing that in coming days there will be no injustice to any hardworking aspirants. There will be no any injustice to the aspirants. उस माँ पिताजी को कोई आज इनजस्टिस नहीं करेगा जो सब्जी बेच के आज अपना बच्चा को पढ़ा रहा है, जो ऑटो चला के अपना बच्चा को आओ तो पढ़ा रहा है, जो टेम्पो चला के पकड़ चला रहा है, उन लोगों को बच्चा लोगों कोई भी आने वाले समय में इनजस्टिस नहीं होगा। वो क्या इसी भरोसे के साथ आज हम एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स स्टैंड्स हियर एंड बिलीव दैट कि आने वाले समय में ऐसे दुर्घटना नहीं होगा। एंड वी ऑल्सो स्टैंड्स हियर एज आई टोल्ड यू दैट the complete implementations of the 13 points charters of demand which is placed by the Pan Arunachal Joint Steering Committee. We came here to do that, not to show any stuff. We came here to tell the world, to tell all the Arunachal Student Union, to all the ANSU students, to all the organizing students who are like bearing their own tribe students, that we are not supposed to be supporting anyone. I, Arun Abam, as a DC student, as a DC tribe, belong. I today exclaim and proclaim that Eres Nipo Nabam! Eres Nipo Nabam! Eres Nipo Nabam! Every DC committee students and every that we are involved in has to be put in the jail and passed out in the central jail. That's what we are believing for. And today we stand here and tell everybody, tell us every student, JNC, Polytechnic, Nursing, Horticulture, Agriculture, every student of this Pasi Ghat and every public to tell you that please come here and every voice, raise your voice again and voiceless. Be the voice for the voiceless and raise your voice for the injustice to be delivered the justice. That's what we believe today and we came here today. आज हम लोग यहाँ पर बताने के लिए आया है, आप अगर बेचना है स्टेट गवर्नमेंट, अगर आज हम लोग बेचना है कुछ बेचना है तो आलू बेचो, टमाटर बेचो, लेकिन आप लोग का क्वेश्चन पेपर मत बेचो। आज हम लोग बताने के लिए आया है अगर अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट या फिर एपीसीसी कमेटी, अगर आप लोग को कुछ खाना है तो बंद कीजिए, बान खाइए, पिवन खाइए, लेकिन आप लोग का नौकरी मत खाइए। आज हम लोग यहाँ पर आकर के बताने के लिए आया है और ये बचाने के लिए आया है कि अरुणाचल का स्टूडेंट, अरुणाचल का जो एस्पिरेंट, जो फ्यूचर है उसको बचाना है मुझे। वी द स्टूडेंट्स ऑफ अरुणाचल, वी आर द बेस्ट प्रोडक्ट दैट अरुणाचल कैन provide to the state because we have the potential. We the youth of Arunachal, we the students of Arunachal has the potential to make this Arunachal a better place to live on, to make this Arunachal state a better place in coming days, to tell the world that we can do something and we can revive something. Inkalab Zindabad! Thank you so much.